मुगल काल के इतिहास को समझने के लिए कुछ दस्तावेजों का अवलोकन जरूरी है। इससे इतिहास के बारे में एक नई समझ बनती है। आमतौर पर औरंगजेब के बारे में ये धारणा है कि उसने मंदिरों को तोड़वाया था, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित भारत कला भवन में रखे औरंगजेब द्वारा जारी फरमान को देखने से लगता है कि उसने मंदिर तोड़ने वालों को इस तरह की कार्रवाई ना करने का सख्त निर्देश दिया था। औरंगजेब द्वारा जारी एक ऐसा ही फरमान यहां भारत कला भवन से संरक्षित रखा गया है, जिस पर शाही मुहर भी लगी है। इस फरमान का हिंदी रूपांतरण भी कला भवन में उपलब्ध है। औरंगजेब ने वाराणसी में तैनात अपने सिपह सालार को संबोधित करते हुए फारसी भाषा में ये फरमान जारी किया था, जो इस प्रकार है कि अबुल हसन को ये जानकारी हो, हमारे धार्मिक कानून द्वारा ये निर्णय किया गया है कि पुराने मंदिर ना तोड़े जाएं एवं नए मंदिर भी ना बने। इन दिनों हमारे अत्यंत आदर्श एवं पवित्र दरबार में ये खबर पहुंची है कि कुछ लोग द्वेष एवं वैमनस्यता के कारण बनारस व उसके आसपास के क्षेत्रों में कुछ ब्राह्मणों को परेशान कर रहे हैं। साथ ही मंदिर की देखभाल करने वाले ब्राह्मणों को उनके पदों से हटाना चाहते हैं, जिससे उस संप्रदाय में असंतोष पैदा हो सकता है। इसलिए हमारा ये शाही आदेश है कि फरमान के पहुंचते ही तुम्हें ये चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में ब्राह्मणों एवं हिंदुओं को किसी प्रकार के अन्याय का सामना न करना पड़े। इस प्रकार वे सभी शांतिपूर्वक अपने व्यवसाय में लगे रहे एवं हमारे अल्लाह द्वारा दिए गए साम्राज्य में पूजा पाठ करते रहे। इस पर शीघ्र अतिशीघ्र विचार होना चाहिए। ये फरमान यह तारीख 15 जमूदे सानिया हिजरी 1069 यानी 1658-69 में जारी किया गया था। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के इतिहास विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर परमानंद सिंह का मानना है कि औरंगजेब ईमानदार शासक था, लेकिन उसके बारे में अनेक गलत फहमियां हैं, क्योंकि वो जिद्दी स्वभाव का था। वो शाही खजाने से अपने व्यक्तिगत खर्च तथा भोजन के लिए धन नहीं लेता था। औरंगजेब एक अच्छा कलाकार था और टोपी बनाता था, तथा उसे बेचने पर जो आय होती थी उसी से अपना खर्च चलाता था। भारत कला भवन की डॉक्टर राजेंद्र सिंह का कहना है कि औरंगजेब कुरान की आयतों का कागज पर लिखता था तथा उससे होने वाली आय से ही अपनी व्यक्तिगत जरूरतें पूरा करता था। डॉक्टर सिंह ने औरंगजेब के संबंध में हुए शोध का हवाला देते हुए कहा है कि वो काशी के कुछ मंदिरों के रखरखाव तथा पुजारियों के लिए वेतन भी दान देते थे। कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।